रोडवेज के कर्मचारियों के समर्थन में बिजली विभाग के कर्मचारी भी आ गए हैं। आज इंद्री में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 2 घंटे काम छोड़ करके हड़ताल की और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान मलकीत सिंह ने कहा कि सरकार अपने चहेतों को फायदा देने के लिए रोडवेज का निजीकरण करने जा रही है, जिसका विरोध पिछले कई दिनों से रोडवेज के कर्मचारी कर रहे हैं। आज बिजली विभाग के कर्मचारी भी रोडवेज कर्मचारियों के पक्ष में आ गए हैं और उनकी मांग है कि सरकार अपना अड़ियल रवैया छोड़कर रोडवेज कर्मचारियों के नेताओं से बातचीत करे और इस मसले का हल करे, नहीं तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन हो जाएगी। देशभक्ति का नाटक करने वाली सरकार मुर्दाबाद, जनता की सेवाओं को बर्बाद करने वाली सरकार मुर्दाबाद। रोडवेज का निजीकरण नहीं चलेगा, रोडवेज का निजीकरण नहीं चलेगा। आज इंद्री पावर हाउस के अंदर ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन से संबंधित कर्मचारी 2 घंटे की काम छोड़ हड़ताल पे हैं। ये हड़ताल हरियाणा रोडवेज की जो हड़ताल चली हुई है और सरकार जो तानाशाही रवैया अपनाई हुई है, जो रोडवेज के कर्मचारियों का दमन कर रही है, उसके समर्थन में बिजली बोर्ड के कर्मचारी आज 2 घंटे का प्रोग्राम यहां करेंगे। उसके बाद केंद्रीय कमेटी का जो भी निर्णय आएगा उस निर्णय का हम स्वागत करेंगे और उसके साथ चलेंगे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की आज मीटिंग है, उसके बाद जो फैसला लिया जाएगा, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित लगभग 112 संगठन उस फैसले को मानेंगे, रोडवेज के कर्मचारियों के साथ जाएंगे, क्योंकि रोडवेज के कर्मचारी जो हड़ताल कर रहे हैं उनकी अपनी कोई वेतन भत्ते की अपनी कोई सुविधाओं की मांग नहीं है, उनकी मांग जनता की मांग है, जो जनता को सुविधाएं देना चाहते हैं। हरियाणा का जो जनता हरियाणा की रोडवेज की बस में जब अगर एक प्राइवेट बस खड़ी हो या एक सरकारी बस खड़ी हो रोडवेज की, तो रोडवेज की बस में बैठना ज्यादा पसंद करते हैं। उसका भी एक कारण है, क्योंकि रोडवेज के अंदर जो ड्राइवर है योग्य है, कंडक्टर है योग्य है, और अगर कोई हादसा हो जाता है या कोई छेड़खानी वगैरह रोडवेज की बस में होती है, तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी है हमारे ड्राइवर कंडक्टर, उनकी नौकरी के जाने का खतरा बना रहता है, इसलिए वो आम जनता को सुरक्षित स्थानों पर अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाते हैं।